चाय बिस्किट खाना है क्या? 8 बजा है और गर्मी लगने लगा है। 2 इडली में शायद पेट भर जाता है। एक फ्रूटी दिया पीने के लिए। ये कुछ पराठा टाइप का है। गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राम दोस्तों। ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज हमारा हो चुका है 103 डे और यहाँ एक पेट्रोल पंप पे एचपी के रुका हुआ था, आपको दिखाए हैं। उधर आप एक घर देख रहे हो ग्लास का, वहाँ पे रुके थे। और जय श्री राम का नाम लेते हैं, राइड को स्टार्ट करते हैं। हुआ है अभी समय 7:44, थोड़ा पानी वानी का रात में दिक्कत हो गया था, लेकिन दिन में पेट्रोल पंप का मालिक आया तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर पानी है तो पी लिया। एक्चुअली स्टाफ लोग थोड़ा कोऑपरेट कम करते हैं, लेकिन जो समझते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो कोऑपरेट कर देते हैं। तो ये कुछ सेटिंग है और यहाँ से हम्पी का जो डिस्टेंस है वो बचा है 200 किलोमीटर, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जय श्री राम का नाम लेते हैं और अपनी लाइट को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी मैं उस वाले पेट्रोल पंप से निकल गया हूँ और थोड़ा दूर आगे चलने के बाद कुछ इस प्रकार का बहुत ही बढ़िया सीन मिला था। थोड़ा सा वाइट करके इस नज़ारे को देख रहे हैं। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये सब चीज़ देखने में कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये साइकिल को यहाँ पे मैंने खड़ा किया, यहाँ पे एक पत्थर था, यहाँ पे बैठ गए हैं। बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे और थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ये घास है, एक बहुत ये सूखा सूखा घास है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिसके पास साइकिल जो मैंने लगा दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों रात में पेट्रोल पंप में थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ था कि एक पुराना असेंबली हॉल था, मतलब जो एक हॉल था जिसमें मीटिंग वगैरह होता है, तो मीटिंग के लिए वो हॉल मतलब बंद था, सब कुछ टूटा फूटा था। तो शीशा का पूरा कवर था, उसके अंदर पंखा वंखा भी नहीं था, तो गर्मी तो बहुत लग रहा था। फिर एक पंखा मिला, उसको लगा करके रात में सो गए। नहाने धोने का सुविधा वहाँ पर उतना था नहीं, क्योंकि स्टाफ सब है, स्टाफ सब तो मना ही करेगा, तो इसलिए नहीं हुआ। और खाना पीना भी कुछ हुआ नहीं है। समय हो चुका है 8 बज चुका है सुबह के, तो चलेंगे रास्ते में खाना पीना करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइड को कंटिन्यू रखते हैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ये जो एरिया देख रहे हैं ना, पूरा खाली इसलिए पड़ा हुआ है ये सब एरिया, क्योंकि इसका ज़मीन आप देखिए इस तरह का ज़मीन है, पूरा बहुत बड़ा एरिया में ये है। यहाँ पे कोई खेती वगैरह नहीं हो सकता है, इसलिए ये सब सुनसान पड़ा हुआ। वहाँ पे हाईवे है हम्पी जाने के लिए, थोड़ा सा इधर आए हैं और यहाँ पे साइकिल लगाए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए, क्योंकि सुबह सुबह ही राइड कर सकते हैं, फिर लेट हो जाएगा तो फिर धूप बहुत तेज़ हो जाएगा। 8 बजा है और गर्मी लगने लगा है। टाइम हुआ है 8:21, थोड़ा देर चलने के बाद यहाँ पे एक शॉप मिल गया था, तो वहाँ पे चलते हैं। चाय बिस्किट वगैरह मिलेगा तो वही खा पी लेंगे, क्योंकि इधर और कुछ तो मिल नहीं रहा है। चलिए चलते हैं, साइकिल को यहाँ पे लगाया है और कुछ इस प्रकार का शॉप है। चाय बिस्किट खाना है क्या? खा के स्टार्ट करते हैं नाइट को। आपको तो खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो में देख सकते हैं, जब मिलेंगे ज़रूर खिलाएंगे। ओके जी, भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी। दोस्तों तो मास्क लगाने का समय आ गया, क्योंकि सूरज जो है बहुत तेज़ हो चुका है, सूरज का रोशनी, तो मास्क लगा लेते हैं। अभी समय हुआ है 9 बजा है और सूरज की रोशनी जो है बहुत तेज़ हो गया है। प्यास भी लग गया है, पानी भी थोड़ा पी लेते हैं। तो यहाँ पे 10 बज चुका है और मिला था मुझे एक होटल, तो खाना खा लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होटल है,
चलते हैं अंदर में, खाना पीना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर राइड को कंटिन्यू रखेंगे। 9:48 हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे इडली खा रहे हैं। और यहाँ का कर्नाटक का इडली का जो साइज़ है यहाँ पर बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं 2 इडली में शायद पेट भर जाता है। सादा खाना भी है, सबसे सादा यही लगता है। यहाँ का चावल उबल है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो इडली मुझे सही लगता है, तो इडली ही खाते हैं। तो यहाँ पे बजरंगबली का एक मंदिर मिला था तो आशीर्वाद वगैरह ले लिया, और ये मंदिर आपको यहाँ का दिखाते हैं कर्नाटक का मंदिर कैसा होता है। दोस्तों तो चल ही रहा था और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रुके हैं और कुछ हेल्प कर रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? रवि। आपका? विकास। ओ तो थैंक यू सो मच, इन्होंने कुछ हेल्प किया हमारा। तो दोस्तों चल रहे हैं इसी प्रकार से, देखिए धूप कितना तेज है, प्रोटेक्शन करके किस प्रकार से चलना पड़ता है। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं हेलो हेलो हाय ओके तो ओके थैंक यू। तो चलिए गाइस चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों 12 बज चुका है और चलते चलते बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गया, तो वहाँ पे एक मिला था मंदिर और साइकिल को यहाँ पे पेड़ के छांव में यहाँ पे लगा दिए हैं, और ये है गणेश भगवान का मंदिर, तो यहीं पे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और धूप को ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है गणेश भगवान का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका था, एक अंकल मिल गए, इन्होंने एक फ्रूटी दिया पीने के लिए, तो थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैलारप्पा। अच्छा आपका सर? आपका राम मोहन का। अच्छा आपका? डी एस रविंद्रनाथ। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट हिरियर तालुक आईमंगला होबली गुर्जिनरप्पा। ये जगह ये विलेज का नाम देवस्थान देवस्थान टेम्पल तो यहीं पे भी रुके हुए हैं, कुछ देर रुकेंगे और रेस्ट करने के बाद वीडियो एडिटिंग करने के बाद चलेंगे। और यहाँ पे बैठ के मैं अपना कुछ काम कर ही रहा था, कुछ लोग आए यहाँ पे खाना पीना चल रहा था तो हमें भी ऑफर कर दिया, ये मिल गया तो खा पी लेते हैं, अच्छा है। क्या क्या है देखते हैं। इधर में ये कुछ पराठा टाइप का है, वो क्या बोलते हैं इसका क्या नेम है? ओलगे। ये ओलगे इसको बोलते हैं। ये खाने में कैसा लग रहा है, एक भीड़ में जा रहा है, इसको इधर करके ओलगे, और ये है चटनी, ओलगे खाया। अच्छा ये तो केला का है भाई, ये मीठा है, केला का बना हुआ। वाह एक्चुअली ये तो सादा है, इसके साथ ये जो मिला ये मीठा है, मतलब कैसा है। ये नमकीन है, फटाफट से खा लेते हैं उसके बाद फिर और वीडियो एडिटिंग करना। उस मंदिर के बगल में ही था इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ स्नान करने के लिए सोच रहे थे लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी था और पूछ रहे थे, तो कोई कुछ बता रहा है, मतलब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है, लोकल जगह पे यही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल गया है नहाने के लिए, तो फटाफट से नहा लेते हैं उसके बाद फिर अपना थोड़ा देर और रुक के धूप ख़त्म होगा तो चलेंगे।
4:42 और अब राइडिंग करने का समय है। यहाँ पे मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ। यहाँ पे दो भाई मिले थे और मिलकर इनको बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कुछ लोग मिलते हैं इसी तरह से, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। तो नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं, कपड़ा थोड़ा सा कम सूखा है लेकिन समय हो चुका है, तो इसको ले करके चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी खाना खाने के लिए एक होटल में आए हैं और ये खाना आप देख सकते हैं, और ये कुछ कल रात में सस्ता के चक्कर में खा लिए थे ख़राब, इसलिए आज 120 रुपये इसका लग रहा है, खा लेते हैं। कहीं कहीं महंगा मिलता है, कहीं कहीं सस्ता। जहाँ हाईवे होता है वहाँ पे कम होटल होता है, इस वजह से महंगा मिलता है। ठीक है, खाते पीते हैं, उसके बाद पेट्रोल पम्प देखे हैं, उधर चल के रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली खाना पीना खा करके होटल से आ चुके हैं अपने टेंट में, पेट्रोल पंप के पास। और ऐसा जगह पे टेंट लगाने का जगह मिला है, पेट्रोल पंप बंद है, पूरा लाइट बंद है। मतलब जब पेट्रोल पंप बंद होता है उसका ऑपरेटिंग टाइम, तो सारा लाइट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर चालू रहेगा तो गाड़ी आ जाएगा, इसलिए टोटली 100% क्लोज्ड है। और बहुत अजीब जगह पे पेट्रोल पंप है, सवेरे मैं दिखाऊंगा कहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो आज का जो डिस्टेंस है वो मैंने 65 किलोमीटर तय किया, और आज का जो टोटल खर्चा है 185 रुपया हो गया है। और क्योंकि शाम में भी अभी खाना खाएं उसका 100 रुपया लगा, और सवेरे खाए थे चाय बिस्किट उसका 30 रुपया लग गया था, उसके बाद फिर इडली खाए थे उसका 55 रुपया लगा था। तो ये कुछ है आज का, ये आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन मिला जुला के अच्छा रहा। मंदिर में बैठे हुए थे, वहाँ खाना भी मिल गया, आपने देखा ही ब्लॉग में। तो दोस्तों आज कर्नाटका का आज बढ़िया बढ़िया सीन देखने के लिए मुझे मिला, मंदिर वगैरह कई देखे, और रास्ते में जाते जाते खूबसूरत सा नज़ारा सड़क के किनारे शाम के समय वो भी देखा, तो आज अच्छा लगा। तो दोस्तों यही आज का कुछ स्टोरी, मिलते हैं नए ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।